As earlier, I have told you regarding learning that learning is a relatively permanent change in behavior. As you can see, learning relatively permanent change in behavior resulting from experience. That means experience is also the important part. जो आपकी past learning होती है, past चीजें जो सीखते हैं आप, वो कैसे incorporate करते हैं when you are learning new concepts or new thing. सीखना अपेक्षाकृत रूप से स्थायी व्यवहार है, किसके आधार पर? पूर्व अनुभवों के आधार पर. So is it clear? Yes, next. अभी जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग आप देखेंगे और पढ़ेंगे. लेकिन बेसिकली जो मैंने एक्सप्लेन की थी डिटेल में जाके, वो पैवलॉफ कंडीशनिंग को आपके सामने डिस्कस किया था, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल है. एज यू नो, कंडीशनिंग इज एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्टिमुलस होता है, एक रिस्पॉन्स होता है. जैसे कि अगर पैवलोवियन कंडीशनिंग की हम बात करें, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, तो जो डॉग था उसके लिए फूड एक तरह का स्टिमुलस था. अभी नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग में देखते हैं हम लोग अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच ऑर्गेनिज्म कम्स टू एसोसिएट वन स्टिमुलस विद अनदर. एक स्टिमुलस का दूसरे स्टिमुलस के साथ जो एसोसिएशन होता है, उसके थ्रू कंडीशनिंग स्टैब्लिश होती है. जैसा कि आपको पता है कि किस तरीके से बेल और फूड के बीच में एसोसिएशन होने के कारण कंडीशनिंग स्टैब्लिश हुई, और जो सलाइवा फूड में आता था, कई सारे एसोसिएशन के बाद, कई सारे प्रैक्टिस के बाद, वही सलाइवा बेल पे आने लगा. एज यू नो, बेल इज नॉट अ नेचुरल स्टिमुलस. बेल इज एक्चुअली आर्टिफिशियल और ऐसी चीज है जो कि नेचुरल स्टिमुलस नहीं है. दैट मीन्स वो एक कंडीशन्ड स्टिमुलस है. कंडीशन्ड स्टिमुलस है. बेल क्या है? पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में जो घंटी है वो एक प्रकार का कंडीशन्ड स्टिमुलस है, जिसके कारण उसको लगा कि बेल आएगा तब खाना है. तो यही चीज इसमें बता रहे हैं. इवन पैट्रिक पैवलोव इज रेनाउंड रशियन साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, नॉट साइकोलॉजिस्ट. He was a physiologist conducting research on digestion in dogs that won him the Nobel Prize in 1904. Pavlov made an accidental but important discovery. He noticed that with repeated testing, the dogs began to salivate before the food was presented, such as when they heard the footstep of the approaching एक्सपेरिमेंटर. जैसे कि उसने एक्सपेरिमेंटर के फुटस्टेप, यानी जो कदमों की जो आहट होती है, उसको सुनते ही उसको सलाइवेट करने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब वो आने वाले हैं तो फूड ही लेकर के आ रहे होंगे. एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटर्स फुटस्टेप इज नॉट अ फूड. नेक्स्ट, आप देख सकते हैं इसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि यूसीएस किसे कहते हैं. पिछली बार अगर याद हो, मैंने आपको बोर्ड पे बताया था यूसीएस. यूसीएस अनकंडीशन और नेचुरल स्टिमुलस. पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो है फूड. इज इट क्लियर? अनकंडीशन एंड नेचुरल रिस्पॉन्स वो सलाइवा है. खाने को देख करके सलाइवा का आना वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है. फिर बात आती है कंडीशन स्टिमुलस क्या है. इन पैवलोव एक्सपेरिमेंट कंडीशन स्टिमुलस वॉज द बेल. घंटी क्या थी? कंडीशन स्टिमुलस था. एंड अ कंडीशन रिस्पॉन्स इन पैवलोव एक्सपेरिमेंट सलाइवेशन टू द बेल वॉज द सीरम. इसमें बताया गया है, अगर हम लोग ध्यान दें, देयर इज नो चॉक. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बेल के बाद जो सलाइवा का अमाउंट आता है, दैट इज एक्चुअली कंडीशन
रिस्पॉन्स, और जो नेचुरल सलाइवा आता है वो आपका यूसीआर होगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। दोनों में अंतर है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स एक्चुअली में फूड के बाद आने वाला सलाइवा, और जो सलाइवा बेल के बजने के बाद आ रहा है दैट इज अ कंडीशन रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर? ये डिफरेंस आपको समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, इस फिगर के थ्रू आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। ये इनका एपरेटस है पैवलोव का, और ये आप सिसरेली की बुक अगर देखेंगे, सिसरेली की बुक है, रॉबर्ट बैरन है, इन किताबों में आप देखेंगे इस तरह की इमेजेस देखने को मिलेंगे। पैवलोव क्लासिकली कंडीशन डॉग्स टू सलाइवेट, सलाइवेशन वॉज मेजर्ड बाय अ पेन अटैच्ड टू अ स्लोली रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ पेपर। इसमें ये देखा जा रहा है कि घंटी की आवाज सुनने के बाद जो सलाइवा आया वो कितने अमाउंट का था, उसको मेजर किया गया, और फूड को देखने के बाद जो सलाइवा आया उसके अमाउंट में, मात्रा में कितना, तो नेचुरल में ज्यादा हुआ, ज्यादा सलाइवा मापा गया, और जो घंटी के बाद था वो कम था। लेकिन घंटी के बाद सलाइवा का आना, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी बिहेवियर को किसी भी स्ट्यूमिनस के साथ रिपीटेड एसोसिएशन के द्वारा उसको पेयर्ड किया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है, उसमें वही रिस्पॉन्स पाया जा सकता है जो रिस्पॉन्स नेचुरल स्ट्यूमिनस के उत्पन्न होने पर प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, ये एक तरह का इन्होंने बताया है कि पैराडाइम है जिसमें आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि अनकंडीशन स्ट्यूमुलस के बाद क्या आ रहा है, यू आर आ रहा है। उस बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अनकंडीशन स्ट्यूमुलस अगर है तो फिर यू आर आपको मिल रहा है, और बेल को इसके साथ नेचुरल स्ट्यूमुलस के साथ एसोसिएट किया गया। बहुत समय तक ऐसा था जबकि आपको यू आर नहीं मिला, यानी कि आपको जो कंडीशन रिस्पॉन्स था वो आपको जो उस पर मिलता था वो नहीं मिला। लेकिन थोड़े समय बाद जब बेल और खाने को बहुत बार पेयर कर दिया गया तो जो रिस्पॉन्स आपको खाने पर मिला करता था वही रिस्पॉन्स बेल पर मिलने लगा, आफ्टर नंबर ऑफ एसोसिएशन, आफ्टर नंबर ऑफ पेयरिंग्स। नेक्स्ट, एक्विजिशन एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इसको मैं थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझाना चाहूंगी। एक्विजिशन, द प्रोसेस बाय विच द कंडीशन स्टिमुलस रिक्वायर्स द एबिलिटी टू एलिसिट अ कंडीशन रिस्पॉन्स थ्रू रिपीटेड पेयरिंग ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस विद कंडीशन स्टिमुलस। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये जो मैंने आपको कहा कि एक लंबी पेयरिंग के बाद में हमको अनकंडीशन स्टिमुलस पर मिलने वाला जो रिस्पॉन्स था वो कंडीशन स्टिमुलस पर प्राप्त होने लगा, दैट इज एक्विजिशन। बेल बजने के बाद लार का प्राप्त होना एक्विजिशन है, अर्जित हुआ, क्योंकि पहले घंटी पर लार को आती है। क्या घंटी बजने पर लार आती है? आप लोग बताइए, ऐसा नहीं होता है। घंटी के साथ लार का कोई एसोसिएशन नहीं है। लेकिन पैवलोव ने अपने डॉग के सामने जब भी खाना दिया, खाना देने के पहले घंटी बजाई, यानी खाना तो विद इन फ्यू सेकेंड्स बाद दिया गया पर घंटी पहले दी गई, तो यानी कि डॉग को ये एंटिसिपेशन है कि खाना आने वाला है, घंटी बजी खाना दिया, तो वो जो बहुत कम समय का डिफरेंस रहा तो अब खाना तो अभी आया ही नहीं, लेकिन घंटी बजने पर ही लार का आ जाना वो है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब है कोई चीज अर्जित करना, प्राप्त करना। अगर खाने को देख करके लार आ रही है, सलाइवा आ रहा है, तो ये नेचुरल है, ये जो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन घंटी बजते ही अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो कि खाने पर मिला करता था वही सलाइवा घंटी बजने पर मिलने लगा, वो एक अर्जित क्रिया है, एक्विजिशन है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? राइट। एक्सटिंक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यूजुअली एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाट इज एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्शन एक्चुअली द प्रोसेस थ्रू विच अ कंडीशन स्टिमुलस ग्रेजुअली लॉसेस
the ability to evoke conditioned response when it is so longer followed by usage. होता क्या है कि अगर लंबे समय तक आप घंटी तो बजा रहे हो, लेकिन घंटी बजने के ठीक बाद खाना दे ही नहीं रहे हो. एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, हर दिन आप बेल तो बजा दे रहे हो, लेकिन फूड वहां पर नहीं है, नदारद है, फूड कहीं है ही नहीं, बस केवल घंटी बजती जा रही है. और अगर एक महीना दो महीना ऐसे ही चलता रहा तो क्या डॉग को तब भी घंटी बजने पर सलाइवा आएगा? आप लोग बताइए, नहीं आएगा. तो ये जो सलाइवा अभी तक घंटी के जस्ट बाद मिल रहा था, अब ये नहीं मिल रहा है क्योंकि घंटी से फूड के एसोसिएशन को समाप्त कर दिया गया है. तो घंटी बजने के बाद फूड अब नहीं दिया जा रहा है. कुछ समय तक तो सलाइवा आया इस आशा में कि फूड विल प्रेजेंट, लेकिन फूड नहीं दिया गया. तो थोड़े समय बाद घंटी बजने पर जो हमें अभी तक सलाइवा सिक्रीट होता था, मतलब डॉग को सिक्रीट हो रहा था, वो अब डॉग ने घंटी बजने पर सिक्रीट करना बंद कर दिया. यानी वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट जो अभी तक रेनफोर्स था या पॉजिटिव रिलेशनशिप में था, लेकिन अब वो चीज नहीं मिल रही है, तो वो व्यवहार भी खत्म हो गया. यानी कि जो हमारा बिहेवियर है, अगर किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट से बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहता है तो वो बिहेवियर हमारा रिपीट होता रहता है, वैसे ही हम रिस्पॉन्स करते रहते हैं. पर अगर वो रीइन्फोर्समेंट, वो पॉजिटिविटी वहां से खत्म कर दी जाती है, तो व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है.